नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NHM असम के अंदर निकली हुई स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में घंटे का निशान बना हुआ है उसको भी ज़ोर से दबा दीजिए ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो ऑडियोलॉजिस्ट की जो पोस्ट हैं, जिसमें ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनकी पोस्टें हैं, 6 पोस्टें हैं ये, और इनके लिए 30,000 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट मिलेगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर इन ऑडियोलॉजी या स्पीच लैंग्वेज या पैथोलॉजी या BSc स्पीच एंड हियरिंग के अंदर होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 44 साल है वो रहेगी अपर एज लिमिट, और 31 दिसंबर 2018 को आधार मान की गणना की जाएगी। उसके बाद है 2 नंबर पर साइकेट्रिक नर्स की पोस्ट है, जिसमें बात की जाए तो BSc नर्सिंग होनी चाहिए या फिर उसके इक्वलेंट जो भी डिग्री होती है, 2 साल का साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें वर्किंग होनी चाहिए साइकेट्रिक के रूप में या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल के अंदर। डिजायरेबल की बात की जाए तो PG डिप्लोमा होना चाहिए साइकेट्रिक्स नर्सिंग एंड फ्रॉम जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। एज है वो 44 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर 2018 तक। टोटल इसकी 25 पोस्टें हैं और इसको 23,000 पर मंथ पेमेंट मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है अर्ली जो इंटरवेनोलॉजिस्ट है कम स्पेशल एडुकेटर RBS के, इसके लिए 27 पोस्टें हैं और 18,000 पर मंथ पेमेंट मिलेगी। इसकी अगर बात की जाए तो MSc होनी चाहिए इन डिसअवेलेबिलिटी स्टडीज़ के अंदर, विद बेसिक डिग्री होनी चाहिए इन्हें जो फिजियोथेरेपी है, BPT है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, BOT है, या फिर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, ASLP, ये डिग्री देगी इनके अंदर होनी चाहिए। और एज है वही 44 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर तक। नेक्स्ट बात की जाए तो ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्टें हैं, जिसमें 20 पोस्टें हैं, 15,000 पर मंथ पेमेंट मिलेगी। इसके लिए आपके पास बैचलर ऑप्टोमेट्री के अंदर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए ऑप्टोमेट्रिस्ट के अंदर या ऑप्टोमेट्री के अंदर, और एज है वो 44 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर 2018 तक। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स की यहाँ पर 824 पोस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, जिसमें 16,500 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलेगी। BSc नर्सिंग GNM होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो असम नर्सेज के या नर्सेज जो मिडवाइफ है उसके अंदर होना चाहिए, और एज है वो 44 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर 2018 तक। नेक्स्ट बात करते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात की जाए तो 116 पोस्टें हैं, और पर मंथ पेमेंट की बात की जाए तो 15,500 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलेगी। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो मेडिकल कॉलेज हो, जिसमें जैसे बात की जाए तो असम या फिर जो रिलीजन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज के अंदर मिजोरम, तो इसके अंदर जो परफॉर्मेंस दी जाएगी या प्राथमिकता दी जाएगी वो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को दी जाएगी। एज लिमिट वही रहेगी 44 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसकी ऑनलाइन अप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करते हैं, तो ऑनलाइन जो अप्लीकेशन है वो 25/3/2019 तक आपको भरने पड़ेगा, यानी इसके बाद आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो ऑफिशियल साइट की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो इंटरव्यू या फिर जो रिटन टेस्ट है उसके आधार पर होगा, और उसके लिए जब आप आते हो इंटरव्यू देने या फिर एग्ज़ाम देने तो उसके लिए आपको किसी प्रकार का TDA दे नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, तो आप अप्लाई कर जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।